लेम की इस श्रृंखला के आज सातवें दिन में हम ये वाला लेम बनाने जा रहे हैं और इसका नाम है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ये वाला लेम इस ऑक्टाहेड्रन के वर्टेक्स को, सभी वर्टेक्स को इस साइड के 1/3 हिस्से पे कट लगाने से ये वाला लेम बना है। ये हमारा आर्कमिडीज सॉलिड का दूसरा स्ट्रक्चर ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन बनके तैयार है। इसके अंदर 8 हेक्सागन फेसेस हैं और 6 स्क्वायर फेसेस हैं। और आइए देखते हैं कि ये कैसे बना है। इसके लिए हमें ऑक्टाहेड्रॉन को देखना होगा। ये ऑक्टाहेड्रॉन के अगर मैं इसके कोने कट लगा दूं तो हमें ये ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। और इसके कोने भी हम कैसे कट लगाने हैं कि ये जो पूरी साइड है उसके 1/3 पे हमें अगर सभी कोनों को कट लगा दे तो हमें ये फेसेस, ये स्ट्रक्चर बनता है। और इसके अंदर अगर मैं इस कोने को 1/3 कट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर मिलता है। और अगर मैं इसमें तीनों कोनों को कट कर दूं तो यहाँ पर बीच में मुझे इस ट्रायंगल फेसेस में एक हेक्सागन मिलता है। और इसमें 8 ट्रायंगल है इसलिए इसके अंदर 8 हेक्सागोनल फेसेस हैं। और इसके अंदर 6 कोने हैं इसलिए इसके अंदर 6 स्क्वायर फेसेस हैं। इसकी दूसरी सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये भी क्यूब की तरह एक स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। स्पेस फिलिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे क्यूब्स खूब सारे रख दूं आसपास में तो इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। और इसी तरीके से ये दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इनको अगर मैं आस पास में जमाता जाऊं तो इनके बीच बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। ये जो हमें स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर्स के अगर मैं डायगोनली पूरे पीसेस में कट लगा दूं, एक कट ऐसे लगाऊं, दूसरा कट ऐसे लगाऊं, तो ये पूरा ऑक्टाहेड्रन 4 पीसेस में बढ़ जाएगा, जिसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इस स्क्वायर में मैंने डायगोनली पूरा कट लगा दिया, इधर भी, और कट लगाने के बाद में मैंने इसके कुछ पार्ट्स को टेप के माध्यम से चिपका दिया। और अब मैं अगर इसको खोलता हूँ ऐसे तो ये मेरा एक डमरू बन जाता है। और आप पाएंगे कि अगर मैं बिल्कुल ऐसा एक और ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन लेके फिर से उसमें बिल्कुल वैसे ही कट लगाऊं और उनके पीसेस को अगर खोल दूं ऐसे, और इन पीसेस को अगर मैं इस डमरू के चारों तरफ लगा दूं, तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल एक क्यूब बन गया। एक सवाल हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि अगर इस ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन की, अगर इस पॉलीगन की साइड 1 है तो इस इन दोनों को मिलाने से ये जो क्यूब बना है उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। और इस ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन को अगर मैं कुछ इस तरीके से काटूं कि ये बिल्कुल एक और इंटरेस्टिंग शेप बन सकता है जिसका नाम है क्यूब। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी स्ट्रक्चर को बिल्कुल हमने कुछ इस तरीके से काटा है कि हम इससे वापस से क्यूब बना सकते हैं। ये सारे पीसेस ऊपर चले गए और अब इस पीसेस को अगर मैं इसे खोल दूं, ये मेरा क्यूब बन गया। इन 3D स्ट्रक्चर्स को अलग अलग तरीके से बनाने में हमें जो इसमें गणित का यूज करना होता है उसमें हमें दिन रात लग के हम जो इसकी गणित की जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। और अगर आपको भी इस तरह का कुछ काम करने में मज़ा आए तो हमें बिल्कुल मेल करिए cli@iitgn.ac.in।